आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी। मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताऊंगी बनाना। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम चिकन लेग पीस लिए हैं, इसको अच्छे से हम वॉश करके रखे हुए हैं। और ये रेड चिल्ली सॉस है, ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, ये सोया सॉस है और ये शाही मसाला चिकन लॉलीपॉप का है। ये मिर्ची है, अदरक है, ये लहसुन है। इसमें हम कट्स लगा लेंगे। हम सारे पीस में ऐसे ही कट्स लगा लेंगे, आप भी इसी तरीके से कट्स लगाइएगा तो मसाला अंदर तक चला जाएगा तो हमारा चिकन बिल्कुल जूसी बनेगा। हम इसमें मसाला बाहर से लिए हैं, ये रेडीमेड मसाला है। अगर हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से तो फटाफट से हमारा लॉलीपॉप बन जाएगा। हम सारे पीस में ऐसे ही कट्स लगा लेंगे। इसमें हम सिर्फ लहसुन, अदरक, मिर्ची इसी को पीसेंगे और कोई भी मसाला हम घर का नहीं लेंगे। अब इसमें हम पेस्ट डाल रहे हैं जो अभी हम बनाए थे, अदरक लहसुन मिर्ची का। और वही मसाला है ये लॉलीपॉप का, अब इसको हम डाल रहे हैं। पूरा हम एक पैकेट डाल दिए हैं। ये सोया सॉस है, ये रेड चिल्ली सॉस है, एक ग्रीन चिल्ली सॉस है। ये नमक है, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको मिक्स करके मैरिनेट करेंगे, एक घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। इसमें हम थोड़ा रेड फूड कलर डाल रहे हैं, आपको डालना हो डालिएगा वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम एक घंटे के लिए रख देंगे। ये चटनी है, चटनी भी हम बनाएंगे इसके साथ में। ये टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक वही को हम भून रहे हैं। इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में। मिर्ची को हम तोड़ लिए हैं बीच से। ये लॉलीपॉप की चटनी है, ये चटनी अगर आप बना कर रख देंगे 10 से 15 दिन ख़राब नहीं होगी फ्रिज के अंदर। इसमें हम नमक डाल रहे हैं। अब ये चटनी को हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हम रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, थोड़ा सोया सॉस इसको हम डालकर फ्राई कर लेंगे। ये चटनी बहुत यम्मी बनती है, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह चटनी बहुत अच्छी बनेगी। चिकन हमारा हो चुका है, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है,
अब इसमें हम सीलो फ्लेम पे चिकन को फ्राई कर लेंगे। इसको हम फास्ट फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो चिकन हमारा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, इसीलिए हम सीलो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे इसको। अब इसको हम पलट देंगे चिकन को, देखो कलर कितना अच्छा आ गया है, चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। हम सारे चिकन के पीस को निकाल लिए, ये देखिए हमारा लॉलीपॉप रेडी हो गया। ये देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं, देखिए कितना जूसी बना है हमारा लॉलीपॉप। इंशाल्लाह हमारी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।